हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एके जी। भाई साहब, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड के ना इर्द-गिर्द अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। ऑन द पिच थोड़ा सा प्रॉब्लम कल नज़र आया, 2-1 जो है वो रेंजर्स के खिलाफ रियल मैड्रिड हार गई। एंड आई नो फ्रेंडली है, पहला गेम था एंचेलोटी का तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बट ऑफ द पिच भी कई ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज़ के लीग्स जो वो रियल मैड्रिड के लेजेंड्स को बेइज्जत कर रहे थे वो पहले सामने आए, एंड देन क्लब लेजेंड्स जो हैं वो क्लब छोड़ते हुए तुमको नजर आए। साथ ही साथ और भी कई सारे प्लेयर्स जो हैं वो क्लब छोड़ के तुमको जाते हुए नजर आ सकते हैं, और ऐसी कोई बड़ी ट्रांसफर अभी तक रियल मैड्रिड ने करी नहीं है। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर राइट नाउ एट रियल मैड्रिड। आज की वीडियो में वी गोना पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द ट्रांसफर सिचुएशन ऑफ रियल मैड्रिड, कि कौन से प्लेयर हमको आते हुए और जाते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर कुछ कुछ प्लेयर्स चले गए जैसे वरान चला गया तो और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में। सो आज की वीडियो की मैं ब्रेकडाउन तुमको कर दे रहा हूं। हम लोग हर एक पोजीशन को कवर करेंगे, पहले डिफेंस के बारे में बात करेंगे, देन मिडफील्ड के बारे में बात करेंगे, देन अटैक के बारे में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑफ कोर्स डिफेंस से। तो हम सभी ने देखा यार, सर्जियो रामोस क्लब लेजेंड कैप्टन जो है वो क्लब को छोड़ के चले गए पीएसजी, और पीएसजी को ज्वाइन कर लिया उन्होंने और अच्छा खासा वेज वहां पे कमा रहे हैं। एंड और उसी मतलब प्यारी सी पार्टनरशिप, सर्जियो रामोस और वरान की पार्टनरशिप थी, वरान बचे हुए थे, अब समझ में आ रहा है कि वरान भी जो है वो क्लब छोड़ के जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी नज़र आ रही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो ऑफिशियली बिड करने वाला है रियल मैड्रिड के सामने राफाल वरान के लिए। पर्सनल टर्म्स जो हैं वो वरान और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में ऑलरेडी अग्री हो चुके हैं, एंड राफेल वरान कुछ लफड़े नहीं करना चाहता रियल मैड्रिड के साथ की ट्रेनिंग जाना छोड़ दे रहा है, अपने ट्रांसफर को फोर्स कर रहा है। वो अच्छा बॉय है, गुड बॉय है, क्लब के साथ उसकी अच्छी रिलेशन है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह ज्वाइन करेगा। वेट कर रहा है वो रियल मैड्रिड की तरफ से ग्रीन सिग्नल देने को, हरी झंडी देने को, और जो है वो अपना ट्रांसफर कंप्लीट करने के लिए मैन यूनाइटेड को। अमाउंट समझ में आ रहा है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी पहला बेड किया है, जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो अराउंड टू अराउंड 39 मिलियन का है, बट रियल मैड्रिड थोड़े ज़्यादा पैसा जो है वो यहां खींचना चाह रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। तो अभी तुमको और भी ज़्यादा ये बिडिंग वगैरह देखने को मिलेगी बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड, एंड राफेल वरान हो सकता है आने वाले एक आध दो हफ्ते में विल बी प्रेजेंटेड एज अ मैन यूनाइटेड का प्लेयर। पर्सनल टर्म्स अग्रीड है, बस एक फाइनली ऑफिशियल बिड और एक अग्रीमेंट मतलब एक ट्रांसफर अग्रीमेंट जो है वो मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में होना बचा हुआ है। नाउ अगर राफेल वरान चले जाते हैं तो ऑफ कोर्स पैसा थोड़ा आएगा रियल मैड्रिड के पास, एंड ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड भी सेल करना चाहेगी, क्योंकि राफेल वरान अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता इस साल तो वो अपने आखिरी टर्म में है, अगले साल वो फ्री जाके जाएगा। तो फ्री जाने से अच्छा है कि कुछ पैसे दे के चले जाए, 40 मिलियन का फिगर समझ में आ रहा है, एंड उन 40 मिलियन से रियल मैड्रिड जो है वो पीएसजी के किम्बेम्पे को साइन करना चाह रही है। अब किम्बेम्पे क्या अच्छे प्लेयर रहेंगे रियल मैड्रिड के हिसाब से, वो फ्यूचर है भैया, अभी 24-25 साल का है तो लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है, क्या वो अच्छे प्लेयर रहेंगे नहीं रहेंगे रियल मैड्रिड के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अगर वरान चले जाते हैं तो कौन कौन ऑप्शन जो है वो बचे हुए रियल मैड्रिड के लिए डिफेंसिव पोजीशन में, हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स डेविड एलेबा बचे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि मैं डिफेंडर बन के नहीं खेलना चाहता हूं, मैं फुल बैक बन के खेलना चाहता हूं। अब देखो क्या होता है भाई, वो तो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ऑफ कोर्स डेविड एलेबा है। मिलिटाओ है जो बहुत ही अच्छे नजर आए थे पिछले सीजन, रामोस की कमी को खलने नहीं दिए थे। साथ ही साथ नाचो है, उनकी उम्र 31 हो चुकी है, बट वो भी एक सॉलिड डिफेंडर है। एंड ऑफ कोर्स वलायो है, हीज़ वलायो जो ग्रेनाडा से लोन में वापस आए हैं, 24 साल के प्लेयर हैं, ये भी जो है वो डिफेंस में रियल मैड्रिड के अगले सीजन में तुमको नजर आ सकते हैं। तो ये चार प्लेयर जो हैं वो अभी रियल मैड्रिड के साथ हैं अगर वरान चले जाते हैं तो, एंड मोस्ट प्रोबेबली किम्बेम्पे के ऊपर नजर है रियल मैड्रिड की, बट नथिंग इज क्वाइट कंफर्म्ड येट, ये अभी रिपोर्ट्स ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट फुल बैक्स तो लेफ्ट हैंड साइड फरलान मेंडी और मार्सेलो, एंड राइट हैंड साइड कारवाहाल एंड ऑड्रियो ज़ोला है, तो यहां पे जो है वो रियल मैड्रिड सेट है, यहां कुछ भी ट्रांसफर का खबर नहीं आ रहा है। मिडफील्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं यार, कुछ प्लेयर्स तो तुमको जाते हुए शायद नजर आ जाए। रियल मैड्रिड इज कीन ऑन सेलिंग इसको, आर्सेनल खरीद सकती है, एंड स्पेन के भी एक आध दो क्लब है, शायद रियल सोसेडेड वगैरह इसको को लेना चाह रही है, तो इसको जो है वो ट्रांसफर मार्केट में है, बट इसको क्लब छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ एंचेलोटी के अंदर। अब देखने वाली बात होगी क्या इसको सक्सेसफुल होंगे इस चीज़ में कि नहीं, बट हाँ क्लब वॉन्ट्स टू सेल इसको, अराउंड 20-25 मिलियन का फिगर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्सो अगर इसको चले जाते हैं, या फिर ऑफकोर्स तुम जान रहे हो सकता है इसको तुमको जाते हुए नज़र आ जाए, तो रियल मैड्रिड को कैमाविंगा बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड कैमाविंगा को भी रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा पसंद है। कैमाविंगा मैन यूनाइटेड के भी रेडार में है, चेल्सी के भी रेडार में है, लेकिन कैमाविंगा ये चाह रहा है कि अगर मैं जाऊं तो जाऊं रेनाइस छोड़ करके, तो मैं रियल मैड्रिड जाना चाहता हूं, एंड हो सकता है अगले सीजन तुमको ये चीज तुमको देखने को मिल जाए।
एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको रियल मैड्रिड शायद अगले सीजन लाना चाह रही है, इस सीजन तो नहीं, और उसका नाम है गोरेट्स्का, बायर्न के प्लेयर हैं। जैसे उन्होंने डेविड एल्बा को लाया फ्री ट्रांसफर में बायर्न से, वैसे गोरेट्स्का का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन खत्म हो जाएगा, एंड अगले सीजन रियल मैड्रिड सोच रही है कि फ्री में इसको ले आते हैं भैया, जैसे हमने डेविड एल्बा को ले आया, तो गोरेट्स्का कैन बी अ रियल मैड्रिड का प्लेयर अगले सीजन में। एंड भाई साहब बहुत प्यारा प्लेयर है गोरेट्स्का, फेडे वेलवाडे के ऊपर तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा अपग्रेड है, वैसे ही अग्रेसिव है, बॉक्स टू बॉक्स खेलेगा, अच्छा लगेगा गोरेट्स्का रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में अगर वो आ जाते हैं अगले सीजन फ्री ट्रांसफर में। नज़र है रियल मैड्रिड की इस ट्रांसफर के भी ऊपर। ये हो गए भाई कुछ इन एंड आउट्स और कुछ पोटेंशियल अपकमिंग साइनिंग्स कह सकते हो कैमाविंग और गोरेट्स्का के रूप में, लेकिन क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं अभी रियल मैड्रिड के साथ, तो ऑफकोर्स कैसेमिरो हैं, फेडे वेलवाडे हैं, टोनी क्रूज हैं, लुका मॉड्रिज हैं, ये चारों तो पिछले सीजन भी थे, लेकिन इस सीजन जो है सेबालोस आए हैं आर्सेनल से, वो अभी इंजर्ड हैं फिलहाल, बट आर्सेनल से जो है उनका लोन खत्म हो गया एंड ही इज़ बैक एट रियल मैड्रिड। ऑफ कोर्स ओडिगार्ड भी जो है वो लौटते हुए आए हैं आर्सेनल की तरफ से, तो ओडिगार्ड भी जो है वो एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर बन सकते हैं अपने एंचेलोटी के अंदर, एंड ऑफ कोर्स इसको भी जो है वो अवेलेबल है रियल मैड्रिड के पास, तो अच्छे खासे प्लेयर्स हैं अवेलेबल रियल मैड्रिड के पास। अब देखते हैं कौन कहाँ पे यूज़ होगा। अटैक के बारे में बात कर लिया जाए रियल मैड्रिड के, तो भाई साहब इन एंड आउट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आउट जो नज़र आ रहा है और वो है लुका जोविच। लुका जोविच जो है वो तुमको हो सकता है इंटर मिलान जाते हुए नजर आए, क्योंकि इंटर मिलान खोज रही है लुकाकू के लिए एक बैकअप स्ट्राइकर, एंड लुका जोविच उनके रेडार में है, लेकिन ये एक ट्रांसफर नहीं होने वाली, यहां रियल मैड्रिड को एक रुपया नहीं मिलेगा, वो लोन के डील में हो सकता है हो, एंड लोन में जो है वो लुका जोविच को रियल मैड्रिड से इंटर मिलान अपने खेमे में लाना चाह रही है। अब ये जो लोन होगा वो 2 साल के लिए जो है वो रिपोर्ट्स ऐसी नजर आ रही है कि इंटर मिलान सोच रही है कर ले, एंड ऑफकोर्स केवल 23 साल का है लुका जोविच, पिछले सीजन भी लोन में था वो अपने पुराने क्लब शायद फ्रैंकफर्ट, नहीं पता नहीं यार मेरे को याद नहीं आई है, शायद फ्रैंकफर्ट या फिर बर्लिन, दोनों में से कोई एक क्लब है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को याद नहीं है, वहाँ वो जाकर के खेले, लेकिन मेरे को ये जरूर याद है 14 गेम उन्होंने खेला है, 6 गोल और 4 असिस्ट ऐसा कुछ उनका रिकॉर्ड था वहाँ पे, तो ही वॉज गुड इन हिज प्रीवियस क्लब, और उनका फॉर्मर क्लब भी वही था जहाँ से वो आए हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ जाकर के वो खेले थे इस सीजन, मतलब पिछले सीजन सॉरी, और इस सीजन जो है वो हो सकता है तुमको इंटर मिलान 2 साल के लिए लोन में जाते हुए नजर आ जाए। एंड ऑफकोर्स अगर लुका जोविच चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बेंजिमा अकेले हो जाएंगे पीछे, उनके क्या बोलते हैं तुम्हारा नंबर 7 जो है वो मारियानो डियाज भी रहेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैड्रिड फैंस। एनीवेज टॉकिंग अबाउट विंगर्स, ऐसा समझ में आया है कि ईडन हजार्ड इज ऑन द मार्केट, रियल मैड्रिड सेल करना चाह रही है ईडन हजार्ड को, लेकिन कि कोई अच्छा जो है वो बिड आए चेल्सी की तरफ से किसी और की तरफ से तभी सेल करेगी, वरना ईडन हजार्ड को रखेंगे भैया वो, एंड ईडन हजार्ड की तरफ से भी ये समझ में आया कि ईडन हजार्ड वॉन्ट्स टू बी एट रियल मैड्रिड, वो प्रूव करना चाहता है कि वो रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब के लिए खेल सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई मैड्रिड फैंस के लिए। साथ ही साथ ऐसा भी न्यूज़ आया है कि एसेंसियो को भी रियल मैड्रिड बेचना चाह रही है। अब यहाँ पे जो फिगर एसेंसियो के लिए रियल मैड्रिड मांग रही है वो अराउंड 30 मिलियन का है, एंड क्यों बेचना चाह रही है, वो इसलिए बेचना चाह रही है क्योंकि रियल मैड्रिड के हिसाब से इंजरी के बाद असेंसियो अपनी उस फॉर्म को नहीं पा पाया है और वो नहीं पा पाएगा आने वाले कुछ सालों में, एंड उसके फॉर्म में जो है वो बहुत बहुत गंदा डिक्लाइन आने वाला है, ये रियल मैड्रिड की तरफ से हुआ है, मतलब ये वो सोच रहे हैं ऐसा, एंड उनके हिसाब से ये राइट टाइम है असेंसियो को बेचने के लिए, यूरोज़ में अभी वो नहीं खेला एंड अभी वो ओलंपिक्स में खेल रहा है स्पेन के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ उससे थोड़ा सा उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, एंड अभी बेस्ट मार्केट वैल्यू है असेंसियो का, अगर उसका फॉर्म डिप होता है आने वाले समय में तो फिर शायद रियल मैड्रिड ज्यादा पैसा ना कमा पाए, तो असेंसियो शायद ट्रांसफर मार्केट में तुमको नजर आएगा और हो सकता है वो ट्रांसफर बना ले। एनीवेज टॉकिंग अबाउट कुछ इन्स, ये तो आउट्स की बात हो गई, इनके बारे में अगर हम बात कर लें तो ऑफकोर्स एक तो भैया फॉरवर्ड हमेशा लिंक रहता है रियल मैड्रिड से, उसका नाम है किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे के सामने ऐसा समझ में आ रहा है कि किलियन एम्बाप्पे को पीएसजी एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार है और बहुत पैसा फेंकने के लिए तैयार है किलियन एम्बाप्पे के ऊपर, पीएसजी बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह देने के लिए तैयार है, बट अब फोन कैमरे की बैटरी हो गई है ख़त्म, तो मैं अभी फ़ोन से कर ले रहा हूँ, तो वही मैं कह रहा था कि अब वो तो किलियन एम्बाप्पे के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस से साइन करता है पीएसजी के साथ कि या फिर रियल मैड्रिड आना चाहता है अगले सीज़न, अगर रियल मैड्रिड आना चाहेगा तो फ्री आ सकता है रियल मैड्रिड अगले सीज़न, उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड रियल मैड्रिड को लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, तो अगर किलियन एम्बाप्पे फ्री आते हैं तो भैया इससे अच्छा क्या हो सकता है मैड्रिड के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि किलियन एम्बाप्पे तुमको अगले सीज़न रियल मैड्रिड में आते हुए नज़र आ जाए। साथ ही साथ
हाँ, एक और प्लेयर है जिसको एंचेलोटी जो है वो काफी ज्यादा मांग रहे हैं रियल मैड्रिड के बोर्ड से। वो कह रहे हैं कि भाई मैं एवर्टन को कोच करके आया हूँ, तो एवर्टन में एक प्लेयर है, ब्राजीलियन है, स्ट्राइकर है, रिचार्लिसन, इसको ले आओ यार, बहुत वर्सेटाइल है, फ्रंट साइड में विंगर भी बन करके खेल सकते, तो एक कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करेगा विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो के लिए, साथ ही साथ स्ट्राइकर भी बन करके खेल सकते, तो बेंजिमा के लिए भी जो है वो एक अच्छा बैकअप ऑप्शन नजर आ सकता है रिचार्लिसन। तो रियल मैड्रिड के रेडार में है रिचार्लिसन, बट वी ऑल नो रियल मैड्रिड के पास भी सेम बार्सिलोना के टाइप पैसे ज्यादा है नहीं, तो दे आर नॉट उतना एक्टिव इस ट्रांसफर डील में, ना ही तुमको इतना कुछ समझ में आएगा, बट रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि हाँ रिचार्लिसन को एंचेलोटी मांग रहे हैं कि भाई ले आओ ना यार, कोई लफड़ा नहीं है, अपना ही आदमी है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या अपने जो पापा पेरेस हैं वो ब्राजीलियन रिचार्लिसन को साइन करते हैं कि नहीं करते हैं, देखने वाली बात होगी। तो यही कुछ न्यूज़ है जो रियल मैड्रिड के इर्द गिर्द घूम रहा है। एंड ऑफकोर्स यार बहुत बड़ी बात तो ये है कि अभी तक डेविड अल्वा के अलावा ऐसा कोई बड़ा ट्रांसफर रियल मैड्रिड ने नहीं किया है। अब वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ दिनों में हमको कोई बड़ा ट्रांसफर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई देखने को मिलेगा तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर तुमको जाते हुए नजर आए, जैसे राफेल वरान जाएगा तभी किम्बैपे को लाया जाएगा, वरना फिर रियल मैड्रिड इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन, इस सीजन थोड़ा सा और प्रॉफिट कमा करके अगले सीजन जो है वो प्लेयर्स को साइन करेंगे, एंड बड़े प्लेयर्स को साइन करेंगे भाई, एम्बाप्पे आ सकते हैं अगले सीजन। तो अगले सीजन के लिए ब्रेस फॉर योर सेल्फ एवरी बार्सिलोना फैन एंड एवरी फुटबॉल फैन एंड एवरी रियल मैड्रिड फैन, क्योंकि अगले सीजन रियल मैड्रिड फाड़ने वाली भैया ट्रांसफर मार्केट में। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष किसानी, और बाय बाय, टेक केयर, पीस, टेक केयर, ध्यान रखे अपना अपना, एंड पानी गिर रहा है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। चलो ठीक है, बाय।